आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि लेट एस जो है वो हमारा 0 से 2 पाई माइनस दिस है, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यहाँ पे एस एक्स बिलोंग्स टू एस है। विद द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो y हमारा पाई बाई 4 पे जो है वो 1 बाई 2 है। सम ऑफ अवशिषा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू y x जो है विद द कर्व y इक्वल टू रूट 2 साइन x इज k पाई बाई 12। सो हमें बोला है के किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस साइन ऑफ 2x, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है। सो इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सो ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 2x डी एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा ये, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, सो साइन 2x हमारा बन जाए, या तो इस 1 को अपन चेंज करें तो 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो 1 ही होता है वो। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, साइन 2x को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। सो होल ये क्या आ जाएगा dx। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर किसका, तो ये इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बन चुका है हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका डी एक्स बन चुका है। तो यहाँ से अपन फर्दर देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सो ये बन जाएगा इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस एक्स को अगर कॉमन ले लें तो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो होल स्क्वायर डी एक्स, सॉरी ये सिर्फ 10x बचेगा हमारा यहाँ पे, सो ये आ गया 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो अगर इसमें पर पुट कर दें, पुट 10x इज इक्वल टू t, सो 10x को अगर t पुट करें और डिफरेंशिएट यहाँ पे बोथ साइड करें तो ये मिल जाएगा हमारा क्या, सो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, जो कि ऊपर में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड तो y हो गया, और राइट साइड अपन देखें तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल dt होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, सो ये जो है 10x प्लस 10x प्लस 1 को बेसिकली हमने क्या पुट किया था, सो यहाँ पे 1 प्लस 10x को t पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सो t का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको अपन देखें तो ये आ गया y इज इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा, सो dt अपॉन इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो माइनस 1 बाई t बन जाएगा इसका इंटीग्रल, प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। अब t को हमने 1 प्लस 10x पुट किया है तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan ऑफ x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन था कि y पाई बाई 4 पे 1 बाई 2 है, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4 पे y का वैल्यू हमारा क्या है, सो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे y का वैल्यू हमारा 1 बाई 2 है। सो ये बन जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 बाय हमारा 1 होता है प्लस c, तो ये बेसिकली क्या आ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 को अपन लेफ्ट साइड कर दे तो ये प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर c का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल चुका है, जो कि है y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10x प्लस 1, ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू LCM यहाँ पे 1 प्लस 10x ऊपर में माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10x मिल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x, ये हमारा y का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो अब जो y है वो हमें क्या गिवन था, y और y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू वाई एक्स और y इज इक्वल टू रूट 2 टाइम साइन एक्स, दोनों के बीच का हमारा यहाँ पे और दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्शन बेसिकली देखें तो ये क्या बन जाएगा, सो दोनों को इक्वेट करेंगे y इज इक्वल टू जो आया है यानी कि दिस, ठीक है, और ये हमारा किसके है, सो रूट 2 टाइम्स साइन एक्स के इक्वल है। सो अब यहाँ पे टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, सो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय, ये क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, साइन अपॉन कॉस बेसिकली लिखा है हमने इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स। सो बेसिकली अगर इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता और दिस इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाता 0। अब अगर यहाँ से साइन एक्स को हमने कॉस एक्स पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब साइन एक्स को अगर कॉमन ले लें
ठीक है। सो यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, सो साइन एक्स कॉमन लेने पे यहाँ पे हमारा बचेगा वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन यहाँ पे क्या बच जाएगा, सो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस रूट टू, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से एक तो वैल्यू आ रहा कि साइन एक्स हमारा जीरो हो जाए, और एक आ रहा हमारा कि वन अपॉन यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा रूट टू बने। या तो इसको अपन बोल सकते थे कि साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स हमारा वन अपॉन रूट टू बन जाए, या तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वन बाय रूट टू से हमने मल्टीप्लाई अगर कर दिया होता, ठीक है, और यहाँ भी वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये हमारा इसका फॉर्मूला और ये वन बाय टू बन गया होता, ठीक है, तो ऐसा आ गया। सो इसको और अपन देखे तो ये साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू यहाँ पे साइन, ये वैल्यू होता है पाई बाय सिक्स का, ठीक, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू, एक तो पाई बाय सिक्स हो जाएगा, दूसरा अपन क्या देख सकते हैं, सो पाई माइनस पाई बाय सिक्स भी लिख सकते थे यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं, सो टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स भी बोल सकते हैं। सो ये तीन वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए अपन जा रहे हैं, तो ये वैल्यू पे अपन देख रहे थे, ठीक है, जीरो से टू पाई के बीच, जब हमारा इन वैल्यू को छोड़ के है, तो यहाँ पे जीरो से टू पाई के बीच अपन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ तक अपन गए, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सो एक्स प्लस पाई बाय फोर, देखो ये पाई बाय सिक्स तक अपन ऐड क्यों किए, जीरो से टू पाई तक जाना था, लेकिन इसमें टू पाई से दिख गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस पाई बाय फोर है, पाई बाय फोर को उधर करेंगे तो ये हमारा टू पाई से छोटा हो जाएगा, इसलिए अपन कर सकते हैं। सो x प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू अगर पाई बाय सिक्स ले तो उस समय x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय फोर, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गया यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू, अपन इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो ट्वेल्व एलसीएम आ गया, सिक्स टू जै ट्वेल्व होता है, सो टू पाई माइनस थ्री पाई, ठीक है, सो ये बन गया माइनस पाई बाय ट्वेल्व। दूसरा अपन देखें, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सो एक तो हमारा पाई माइनस पाई बाय सिक्स है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय सिक्स, और ये पाई बाय फोर को अपन राइट साइड कर देंगे, ठीक है, सो पाई बाय फोर। सो यहाँ से अपन देखें तो ट्वेल्व फिर से हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्वेल्व पाई, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस टू पाई, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा थ्री पाई, ठीक है, सो ये क्या बन गया हमारा, सो फाइव, ट्वेल्व माइनस फाइव यानी कि सेवन पाई बाई ट्वेल्व, ठीक है। फिर से अपन x का वैल्यू देखें तो बन जाएगा यहाँ से टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। सो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्व करने के पर, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा ट्वेल्व, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्वेंटी फोर पाई, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, सो यहाँ पे टू पाई, फिर ये क्या बन जाएगा, सो थ्री पाई, सो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, सो 23 पाई डिवाइड बाय 12, ओके। सो 0 से 2 पाई के बीच ये टर्म तो हमारा नहीं है, ठीक है, माइनस पाई बाय 12, तो ये कंसीडर नहीं होगा, सो ये दोनों को कंसीडर अपन कर सकते हैं, ठीक है, सो ये दोनों हमारा कंसीडर होगा, और एक वैल्यू और कंसीडर क्या होगा, x sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू यहाँ पे पाई हो जाएगा। सो सम ऑफ सॉल्यूशन अपन करें तो वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 7 पाई बाय 12 प्लस 23 पाई बाई 12, सो दिस इज इक्वल टू हमारा अगर यहाँ से एलसीएम ले तो ये क्या जाएगा 12 एलसीएम आ गया, तो ये बचा हमारा 12 पाई प्लस 7 पाई प्लस 23 पाई, सो ये क्या जाएगा 40 42, ठीक है, क्या बन गया ये हमारा यहाँ पे, सो ये बन जाएगा हमारा 42 पाई डिवाइड बाई 12, और यही वैल्यू हमारा किसके इक्वल गिवेन था, सो के पाई डिवाइड बाय 12 के, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू गिवेन है के पाई डिवाइड बाय 12, सो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया 42। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।